मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। सागर के सुर्खी में पीएम आवास योजना के तहत बने दलितों के घर पर बुलडोजर चलवाने को लेकर राजनीति गर्मा गई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर मकान तुड़वाने के आरोप लगाए हैं। गुरुवार को वे पीड़ितों से मिलने पहुंचे। पूर्व सीएम ने जमीन पर बैठकर पीड़ितों की बात सुनी। उन्होंने पीड़ितों के लिए उचित मुआवजे के साथ ही प्लाट और नए मकान बनने तक अस्थायी इंतजाम करने की मांग की। केंद्र सरकार ने यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर आम लोगों और विधि विशेषज्ञों के सुझाव मांगे हैं। केंद्र के इस कदम के बाद मध्य प्रदेश में भी सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा है कि हम कॉमन सिविल कोड का कड़ा विरोध करेंगे, हम संविधान को बर्बाद नहीं होने देंगे, ये देश को बर्बाद करने वाला चुनावी प्रोपेगेंडा है। बिहार में गैर भाजपा दलों के जुटने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जब बाढ़ आती है तो एक ही पेड़ पर जान बचाने के लिए कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बाकी जीव भी जिंदगी बचाने बैठ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन की बाढ़ से डर कर सभी एक पेड़ पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंतर यह है कि बाढ़ में बाकी लोग पेड़ पर शांत बैठकर पानी उतरने का इंतजार करते हैं, यहाँ तो ये लोग बाढ़ के समय भी लड़ रहे हैं। इंदौर के तुकुगंज थाना क्षेत्र में कॉस्मेटिक दुकान की आड़ में प्रतिबंधित हुक्का और उसकी सामग्री बेची जा रही थी। इंदौर क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को दबिश देकर वहां से करीब 70 हुक्का सहित अन्य नशीली सामग्री जब्त की। इसकी कीमत 5 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। मुरैना में दिन दहाड़े कोचिंग क्लास के डायरेक्टर को गोली मार दी गई। गुरुवार दोपहर 12 बजे के आसपास हमलावर बाइक से आए। उन्होंने टीचर को आवाज देकर कोचिंग क्लास से बाहर बुलाया। कुछ देर बाद की इतने में बाइक पर पीछे बैठे हमलावर ने कट्टे से गोली चला दी। पेट में गोली लगने के बाद वे मौके पर ही गिर पड़े। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।